नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में जीटी रोड पर स्थित डॉक्टर मथुरा प्रसाद शर्मा व डॉक्टर संदीप कौशिक के बराबर में एक लेडीज डॉक्टर के यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरकाजी से स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अजीम, डॉक्टर अजय सक्सेना व अन्य डॉक्टर की टीम ने बार बार शिकायत मिलने पर महिला डॉक्टर शाइन क्लिनिक पर छापेमारी की, जहां पर कुछ इलीगल काम होते पकड़े गए। इस दौरान लेडी डॉक्टर का कहना था कि किसी महिला को ब्लीडिंग की शिकायत थी, जिससे उसने ट्रीटमेंट दिया था। बताया गया कि महिला क्लिनिक पर पहले भी छापेमारी की गई थी, जिसने शाइन क्लिनिक को पहले भी सील कर दिया गया था। और इस बार डॉक्टरों का कहना है कि लेडी डॉक्टर को नोटिस थमाकर 3 दिन का समय दिया गया है। लेडी डॉक्टर को नोटिस का जवाब देना है, अन्यथा हॉस्पिटल पर सील लगा दी जाएगी। रुकाजी में हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि एक इलीगल क्लिनिक चल रहा है, जिसको आसपास गंदगी फैल रही है और बीमारी फैलने की आशंका है। उसी सूचना के आधार पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने एक टीम का गठन किया। हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर जाकर हमने देखा कि एक क्लिनिक वाकई वहाँ पे इलीगल चल रहा था, जिसको हमने उसकी इंक्वायरी करी, इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि कुछ आपत्तिजनक सामग्री वहाँ पे थी भी, और वहाँ पेशेंट भी एक मौजूद थी, जिसको हमने देख करके उनको वार्निंग देकर के डॉक्यूमेंट अपने चेक कराएँ और एक वार्निंग लेटर इशू करके हम वहाँ से आ गए हैं। डॉक्टर साहब, पहले खादर रोड पे भी इनका क्लिनिक था, जब भी छापा लगा था उसमें क्या किया गया? ये उससे पहले दूसरे MYC यहाँ पे थे, जो मौजूदा MYC है, उससे पहले वाले MYC ने वहाँ पे एक बार पहले छापा मारा था और वहाँ से इनका क्लिनिक बंद करा दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना। डॉक्यूमेंट अभी भी प्रोड्यूस नहीं किए उन्होंने, ना पहले प्रोड्यूस किए थे। तो क्या कारण है जी, जो अभी भी नहीं किया, जब उससे पहले भी सीज हुआ था, लेकिन फिर दोबारा सब जो है शिकायत मिली? जी, शिकायत इसलिए मिली क्योंकि जो एज पर प्रोटोकॉल वो काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दैट लेडी। हमने उनको डॉक्यूमेंट के लिए कहा है, वो बोल रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट उनके पास आ गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं, शी वाज अंडर स्टडी, तो वो अगर दिखाएगी डॉक्यूमेंट ला करके तो फिर हम उसको कंटिन्यू कर गए, अदरवाइज हम उसको सील कर देंगे। कितने दिन का टाइम दिया गया? 3 दिन का समय दिया जाता है, इसमें 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लें, अदरवाइज सील कर दिया जाएगा। अच्छा सर, जैसे पेशेंट मिला है लेकिन फिर भी सील करने की आप जैसा प्रक्रिया बता रहे हैं, क्या कारण, जबकि पेशेंट मौजूद मौके पर मिला है? पेशेंट मौके पर मौजूद था, लेकिन किसी भी क्लिनिक को सीज करने की प्रक्रिया होती है, पहले हम उसको एक वार्निंग लेटर इशू करते हैं, यदि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते उसके बाद फिर एक और लेटर इशू करते हैं, उसके बाद हम उसको सीज कर देते हैं। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।